45 ये आप भावी प्रत्याशी हैं और पिछले आप चुनाव में यहाँ से दूसरे नंबर पर आपने रहा और अभी जो वर्तमान की जो समस्या है नगर निगम का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सबसे बड़ी समस्या है चारों तरफ गंदगी, कहीं भी साफ सफाई सही से नहीं होती। चाहे आप मागपुरी चले जाइए, संगमपुर चले जाइए, रामपुर रोड मेन रोड देख लीजिए, नहर से लेकर मेन गेट तक पूरा रोड कचरा से भरा हुआ है, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं कि आप नगर परिषद नहीं है, इसकी आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे आप, अभी चलते मेरे साथ आप देख लीजिए क्या स्थिति है वहाँ। पूरा रोड पर जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ है, पूरी रोड टूटी हुई है, एक ही रोड को बार बार तोड़ दे रहे हैं, गड्ढा करके छोड़ दे रहे हैं। रामपुर में नदी में चुड़िया के पास बड़ी से गड्ढा हो गया, कब जाकर रोड कब धंस जाएगी कोई गारंटी नहीं है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। नगर निगम में कंप्लेन कीजिए चाहे दूसरा साहब में कंप्लेन कीजिए, कोई उपाय नहीं होगा। क्या आप इस तरह से आपने जनता के बीच में संघर्ष करते रहते हैं? हम लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, इससे पहले भी किए हैं महावीर पुल रोड नंबर 3 में, तो वहाँ पर 2 महीना पहले जब आंदोलन हम लोग किए हैं तो न्यूज़ में कुछ आया तो वहाँ पर पाइप गिर गया, लेकिन पाइप गिरने के लगभग 45 से 50 दिन हो गया, अभी तक काम नहीं लगा। जो भी ठेकेदार उनसे बात करें पर 2 दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा, आज तक भी काम नहीं हुआ। इससे पहले रामकृष्ण कॉलोनी में जहाँ सचिन जी का घर है, उन्हीं के घर के पीछे 4 दिन पहले भी हम लोग गए थे, तो वहाँ का स्थानीय लोगों का कहना है 3 साल से पानी जमा हुआ और इसका कोई निकासी नहीं। यही वजह है कि अभी जो डेंगू का प्रकोप है सबसे ज़्यादा संदलपुर एरिया में, संदलपुर के हर घर हर मोहल्ले में गली में डेंगू के हर मरीज निकले हैं। पहला ये कॉल किया जाता है यहाँ गली जाते हैं कि साइकिल से पकड़ किया जाए, कहने पर भी साइकिल नहीं आ रहा। आप यदि आप सेकेंडरी पोजीशन थे, आप फर्स्ट आ जाते तो क्या आपके रीजन में इस तरह की गंदगी नहीं होता? हमारे भी हम वादा करते हैं, हमारे जैसे कोई नहीं है, सबसे जरूरी है साफ सफाई। अगर साफ सफाई रहेगी तो बहुत तरह की बीमारियाँ होता है, बीमारियाँ नहीं होती। कोई भेदभाव नहीं कि इस क्षेत्र का हमारे लोग वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, इनके तरफ से होता है कि वोट हमको दिए हैं तो उधर काम करेंगे, नहीं दिए हैं नहीं काम करेंगे, इस तरह का कोई नहीं होगा। अभी वर्तमान 8% से बहुत सारे लोग नाराज हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों नाराज है आखिर? क्या नाराजगी का मेन कारण तो वही है, साफ सफाई। साफ सफाई नहीं, अगर नगर निगम में कोई भी वार्ड कौन किसी चुनता है साफ सफाई के लिए, लाइटिंग के लिए हमारा रोड ठीक हो, तो ना साफ सफाई है ना ठीक से लाइटिंग है और ना रोड बना हुआ है। पिछले पाँच साल में जितना भी रोड बना हुआ है तो फर्स्ट बारिश में ही धुल के उसका सारा जो होता है ना बाहर आ गया, सारे के सारे रोड जो है ना घटिया क्वालिटी की होनी। क्या लगता है मटेरियल में कमी किया गया? हाँ, मटेरियल में कमी किया, मैंने डूब का एक अड्डा बना दिया, मटेरियल का अड्डा बना दिया गया है। हम भी वादा करते हैं पिछले 5 साल में जो भी काम हुआ है हम उस पर एक जांच कमेटी बना देंगे कि काम इतना गंदा का है। पूरे वार्ड में जाइएगा तो चेंबर पूरा टूटा हुआ है, अलका कुल्ली में चेंबर बनाया गया तो रोड से ऊँचा चेंबर हो गया है, गाड़ी घोड़ा जाने में दिक्कत हो रहा है। मतलब नली गली योजना पर अच्छे तरीके से कार्य नहीं किया, एकदम नहीं सब विकास से हुआ है, यही पर शाम भाग जहाँ बन रहा है वाटर पाइप तो काम बंद है लगभग 4 महीना से। हम लोग ठेकेदार से बोले कि भाई हम लोग इस्टीमेट देखा रहे तो भाई काम करते पाइप बिछा रहे तो इस्टीमेट नहीं दिखा रहे हैं, 4 महीना से कर रहे हैं कि आज दिखा रहे कल दिखा रहे। तो हम पूछे भाई कितना इंची का पाइप डाल रहे हैं, पूछने का अधिकार तो सबको है, तो कह रहे हैं 8 इंची का, कोई पेपर में दिखा दीजिए, अगर 8 रहेगा तो 8 लगाइएगा। जितना हम लोग जानकारी है 12 इंची पाइप आता है, आगे जाकर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है।